पे जो खिलती हैं कहानियां कहता हूं मैं, करड़ी भालू हूं, जंगल में रहता हूं। शाखों पे जो खिलती हैं कहानियां कहता हूं मैं, करड़ी भालू हूं, जंगल में रहता हूं। ना 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 लंगूर भी अंगूर भी है, पंछी और मच्छी भी, काला कौवा, लालू बंदर, एक लूमड़ी झूठी सच्ची भी, और गीदड़ वीदड़, बिच्छू भालू, सबके अपने किस्से हैं। जंगल है एक, लेकिन इसमें सबके हिस्से हैं। लंगूर भी अंगूर भी है, पंछी और मच्छी भी, काला कौवा, लालू बंदर, एक लोमड़ी झूठी सच्ची भी, और गीदड़ वीदड़, बिच्छू भालू, सबके अपने किस्से हैं। जंगल है एक, लेकिन इसमें सबके हिस्से हैं। झगड़े, लालच, दोस्ती और नीति समझा दूं, कुछ होने वाली बातें, कुछ बीती बतला दूं। ना 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 समय की बात सुनो। दूर कहीं नदी एक बहती, उसमें तैरती और खेलती मस्त रहती मछलियां तीन। दूर और पास वो तैरती, डुबकी लगाती, अंदर बाहर, ऊपर नीचे छींटे उड़ाती, सुबह दोपहर और रात। मैं हूं करड़ी भालू। मैं तुम्हें तीन मछलियों की कहानी सुनाना चाहता हूं, जिनके नाम थे टिमसी, बक्की और मोती। ये तीनों पक्के दोस्त थे और नदी में खुशी से रहते थे। टिमसी इन तीनों में सबसे बुद्धिमान है। डूबते सूरज के समान सुनहरी और मजबूत सूफनों वाली। चलो सुने वो क्या कहती है। है टिमसी मछली मेरा नाम, समय का मुझको ध्यान, कर लेती मैं सारा काम, आगे रहना मेरी शान, साफ सुथरी रहती हूँ,
नहीं बिखेरा करती हूँ। रोज सवेरे जल्दी उठ 9 बजे सो जाती हूँ। है तुमसी मछली मेरा नाम, समय का मुझको ध्यान, कर लेती मैं सारा काम, आगे रहना मेरी शान। है तुमसी मछली मेरा नाम, समय का मुझको ध्यान, कर लेती मैं सारा काम, आगे रहना मेरी शान। साफ सुथरी रहती हो, नहीं बिखेरा करती हो। साफ सुथरी रहती हो, नहीं बिखेरा करती हो। रोज सवेरे जल्दी उठ 9 बजे सो जाती हूँ। टिमसी के पीछे जो तैर रहा है वो है नीला बक्की। टिमसी सा बुद्धिमान तो नहीं है, मगर है होशियार। आखिर तक काम टालता ही रहता, मगर ऐन मौके पर कर ही लेता। हेलो हेलो, बक्की है मेरा नाम। एक ही साथ कर लेता हूं मैं अपने सारे काम। क्यों सोचू चिंता करूं, समय है अभी बाकी, फिर कभी कर लूंगा ऐसी भी क्या जल्दी। हेलो हेलो, बक्की है मेरा नाम। एक ही साथ कर लेता हूँ मैं अपने सारे काम। हेलो हेलो, बक्की है मेरा नाम। एक ही साथ कर लेता हूँ मैं अपने सारे काम। क्यों सोचू चिंता करूँ, समय है अभी बाकी, फिर कभी कर लूंगा ऐसे भी क्या जल्दी। इन दोस्तों में तीसरे का नाम है मोती। लाल और मोटा मोती, थुलथुल और आलसी भी है। तैरने के लिए वो अपने सूफनों को फड़फड़ाना भी नहीं चाहता। अक्सर वो सिर्फ पानी के साथ बहता रहता। मेरा नाम है मोती मीन, पर मोटू कहते सभी। अच्छा लगता है खाना और सोना, मुझे काम नहीं करना। टिमसी और बक्की मुझे निकम्मा कहते हैं। मैं और करूं काम, दोनों पागल लगते हैं। मेरा नाम है मोती मीन, पर मोटू कहते सभी। अच्छा लगता है खाना और सोना, मुझे काम नहीं करना। टिमसी और बक्की मुझे निकम्मा कहते हैं। मैं और करूं काम, दोनों पागल लगते हैं। मेरा नाम है मोती मीन, पर मोटू कहते सभी। अच्छा लगता है खाना और सोनो, मुझे काम नहीं करना। टिमसी, बक्की और मोती पक्के दोस्त थे, और भले ही काम करने का तरीका अलग अलग हो, हमेशा साथ ही रहते थे। एक दिन टिमसी अपनी चचेरी बहन से मिलने चली। जाते समय उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, मेरी बात सुनो तुम दोनों, मेरे पीछे सावधान, इस चट्टान के पास ही रहना और तल में ही तैरना। मैं जल्दी वापस आऊंगी, इंतजार करो यहीं। यही जगह है सही, यहाँ कोई डर नहीं। बक्की और मोती ने अपनी दुम हिलाई। मछली की बोली में इसके दो मतलब होते हैं, एक ठीक है और दूसरा फिर मिलेंगे।
टिमसी फुर्ती से तैरती चली गई। मोती तुरंत ही बड़े पत्थर के पीछे सोने चला, मगर बक्की अपने गणित के अभ्यास में लग गया। जब छोटी मछलियां सामने आती तब उन्हें गिनता, मगर बड़ी मछली के आते ही भैया पत्थर के पीछे छिप जाता। एक मछली, दो मछली, मछली तीन चार, पांच छह सात मछली आए और यार। मोती अपनी नींद से उठ गया और बक्की के साथ गिनती करने लगा। आठ मछली तैरती, नौ हरी सयानी, दस सबसे बड़ी, क्या वो है रानी? मैं हूँ पक्की नीला, हेलो पीला ग्यारह, गिनती में है मजा, तुम भी गिन लो यार। मछली दो मछली, मछली तीन चार, पांच छह सात मछली आए और यार। एक मछली दो मछली, मछली तीन चार, पांच छह सात मछली आए और यार। आठ मछली तैरती, नौ हरी सयानी, दस सबसे बड़ी, क्या वो है रानी? हो बक्की नीला, हो पीला ग्यारह, गिनती में है मजा, तुम भी गिन लो यार। क्या वो है रानी? टिमसी जल्दी ही लौट आई, वो बहुत परेशान थी। खबर अच्छी नहीं है, आ रहे हैं मछुआरे। मेरे दोस्तों सुनो, आओ हम तैर चलें। अगर जल्दी नहीं चलेंगे इतना तो तुम जान ही लो, जाल में हमें फंसा लेंगे, यह तो पक्का मान ही लो। बक्की और मोती ने टिमसी का विश्वास नहीं किया। बक्की सोचने लगा, अगर मछुआरे कल आएंगे तो मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा, मैं अभी से अपना घर क्यों छोड़ूं? मोती तो भैया इतना आलसी था कि वो सोचना भी नहीं चाहता था। उसका ना तो कहीं जाने का मन था और ना ही कुछ करने का। मम्मी पापा रहे यही, तीनों दादा भी, छोड़े अपना घर नहीं नहीं नहीं, हम ना छोड़ेंगे ये प्यारी नदी, नहीं तुम पर भरोसा, नहीं नहीं नहीं। टिमसी ने अपने दोनों बेवकूफ दोस्तों को खतरा समझाने की बड़ी कोशिश की, मगर दोनों उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। इसीलिए बहुत ही उदास होकर उसने अपने दोस्तों को छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जैसे ही बक्की और मोती अपने घर से तैरते हुए निकले, उन्होंने मछुआरों को देखा। टिमसी सही थी, सामने था खतरा। उसी सुबह आया मछुआरा, आकर उसने जाल बिछाया, पहले बक्की को फंसाया, जिसने तुरंत दिमाग लगाया। उसने अपनी सांस रोकी और सिर पीछे गिराया, ऐसे अपनी पीठ पर सोया मानो कि वो मरा हुआ। मछुआरे ने सोचा कि उसने एक मरी हुई मछली को पकड़ लिया है, इसे मैं फेंक देता हूं, मरी हुई मछली किसे चाहिए। अचानक उसकी नजर मोती पर पड़ी। लाल और मोटा, ये सही है।
उसने जाल बिछाया और मोती को फंसाया। मोती रोया और चिल्लाया, जाल में वो फंस गया। हाथ पांव सब फूल गए, पूरी तरह डर गया। उसने अपनी दुम हिलाई, अपने सूफने फड़फड़ाए, मगर वो कुछ नहीं कर सका, जाल से नहीं बच सका। चिल्लाया डर से मोती, बक्की ने सुनी उसकी पुकार, पास नहीं था फिर भी। जैसे ही बक्की विचार कर रहा था कि अपने दोस्त को कैसे बचाए, टिमसी लौट आई। बक्की उसे देखते ही चिल्लाने लगा, टिमसी, ओ टिमसी, पकड़ा गया मोती। काश जो तुमने कहीं बात सुनी होती। टिमसी ने कुछ पल के लिए सोचा। उसने जल्दी से बक्की के कान में कुछ फुसफुसाया। तुरंत ही दोनों तैर कर मोती के पास जा पहुंचे। टिमसी और बक्की ने छलांग लगाई ऊपर से। जल के छींटे जा उछले मछुआरे की आंखों में। जैसे ही पानी के छींटे मछुआरे की आंख में पड़े, उसके हाथों से जाल एकदम छूट पड़ा। जल्दी मोती, जाल ढीला हो गया है, कूदो। मोती ने अपनी थुथुन से जाल को फाड़ दिया और बाहर कूद पड़ा। तीनों दोस्त फुर्ती से तैरते हुए जल के तल में पहुंच गए। चकित मछुआरा, जिसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी, सिर खुजाता हुआ चला गया। टिमसी, बक्की और मोती बहुत खुश हुए कि वो फिर से एक साथ मिल गए। बक्की और मोती ने टिमसी से वादा किया कि वो दोनों अपना अपना काम समय पर करेंगे और आलसी नहीं रहेंगे। दोनों अपना सबक सीख चुके थे। मछली तीन चार पाँच छः सात मछली आए यार यार, एक मछली दो मछली, मछली तीन चार पाँच छः सात मछली आए यार यार, आठ मछली तैरती नौहरी सयानी, दस सबसे बड़ी क्या वो है रानी। बक्की लाहौल पीला ग्यारह, गिनते में है मजा, तुम भी गिन लो यार। क्या वो है रानी?